हेलो दोस्तों आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो है डाइवर्सिटी ये सभी के लिए है जो भी बंदा डाइवर्सिटी पढ़ना चाहता है या किसी किसी भी अपनी नॉलेज के लिए किसी भी चीज़ के लिए सबके लिए ये डाइवर्सिटी चैप्टर मैं शुरू करता हूँ ठीक है तो चलो शुरू करते हैं डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ाना ठीक है तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें कि हम देखते होंगे कि पूरे संसार में आप बर्ड्स देखते होंगे सबकी बीक्स अलग अलग होती हैं है ना सबकी बीक्स अलग अलग होती हैं सबके फैदर्स अलग अलग होते हैं आप देखोगे कि मैमल्स में, में, में आपको वेराइटी मिल जाती होगी सबके कान अलग अलग होते हैं सबके बाल अलग अलग होते हैं सबके आ, कोई वीवा पोरस होता है वीवा पोरस में बच्चे पैदा करता है सीधा बच्चे पैदा करता है बिना अंडे दिए या कोई कोई ऐसा होता है कि मिल्क देता है और कोई ऐसे मेमल्स होते हैं जो मिल्क नहीं देते तो काफ़ी तरीके की वेराइटी आप इस नेचर में देखते होंगे तो आज जो मैं बताने वाला हूँ मैं आज तुम्हें इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि ये वाली डाइवर्सिटी आखिर होती क्या है बेसिकली तो डाइवर्सिटी जो बेसिकली है हमारे तो वो हमें बेसिकली डाइवर्सिटी चैप्टर में हमारे पांच किंगडम हैं पांच किंगडम कौन से कौन से है पहला किंगडम है मोनेरा दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा तीसरा किंगडम है फंजाई और चौथा है प्लांटे और पांचवा है एनिमिलिया इसमें से हम बिलोंग करते हैं प्लांटिया वो जो हम खाना खाते हैं और हम औरों का जो लोगों का खाना है और जो जीव जंतु हैं उनका खाना है जो भी प्लांट्स वगैरह पे जाते हैं हम उनकी सारी सारी वेराइटीज़ नेचर में पढ़ेंगे और एनिमिलिया जब हम पढ़ेंगे तो आ, हमें ऐसा लगेगा हम पॉकीमोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं इस पूरी पूरी स्टडी को पूरा का पूरा मैं आ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ इस चैप्टर को सबसे पहले होता है कि अगर मैं बात करूँ सबसे ब्रॉड टर्म वो है किंगडम अगर मैं थोड़ा सा नीचे चले जाऊँ तो आ, फिर आता है हमारा फाइलम और अगर मैं थोड़ा और नीचे चले जाऊँ वो होता है क्लास अगर मैं थोड़ा और क्लास में से पूछूँ तो वो होता है ऑर्डर ये वैसी बात वैसे ही है जैसे अगर मैं पूछूँ कि तुम कहाँ रहते हो अगर मुझे कोई कहे कि मैं इस धरती पर रहता हूँ इस धरती में तुम कहाँ पर रहते हो मैं इस धरती में इंडिया में रहता हूँ मैं तुम इस इंडिया में कहाँ पर रहते हो मैं इस इंडिया में दिल्ली में रहता हूँ तुम इस दिल्ली में कहाँ पर रहते हो मैं दिल्ली में यहाँ रहता हूँ वहाँ रहता हूँ मैं नीचे बहुत ज़्यादा मैं एक्यूरेटली अपनी लोकेशन बताए जा रहा हूँ मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक बहुत बड़ी चीज़ है उसको मैं नीचे नीचे लेकर जाके मैं अपनी पूरी डिटेल्ड चीज़ बता पा रहा हूँ तो वैसे ही एक है कि हम सबसे पहले किंगडम की बात करते हैं डाइवर्सिटी में उसके बाद फाइलम की उसके बाद क्लास की उसके बाद ऑर्डर क्या है उसके बाद फैमिली उसके बाद जीन्स उसके बाद स्पीशीज़ पे आ जाते हैं ठीक है फिर उसके बाद बस यही है कि जिससे हम क्लासीफाई करते हैं बेसिकली जैसे तो हम एड्रेस क्लासीफाई करते हैं वैसे एक स्पीशी को क्लासीफाई करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो चलो शुरू करते हैं अगर मैं अपनी बात करूं अगर मैं तुम सबकी बात करूं हम सब इंसान हैं ठीक है तो हम बेसिकली कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं एनिमीलिया से ठीक है तो और हमारा फाइलम क्या है हमारा फाइलम है को डेटा हमारी क्लास क्या है मेम मेमिलिया ठीक है और मेमिलिया में अब बेसिकली हमारा ऑर्डर क्या है वो है प्रीमिटा बेसिकली अगर मैं बात करूं प्रीमिटा के अलावा और कौन से कौन से होते हैं मेमिलिया के अंडर प्रीमिटा और नॉन प्रीमिटा दोनों होते हैं हम बेसिकली प्रमिटा से बिलोंग करते हैं और नॉन प्रीमिटा के अंदर दो फर्दर डिवीजन हो जाते हैं एक तो हो जाता है कारनी वोरा और एक दूसरा हो जाता है हरबी बोरा कार्बी वोरा, वोरा में कौन से कौन से आते हैं कारनी वोरा में दो तरीके के आते हैं कैट्स या डॉग्स ठीक है मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूँ ठीक है फ्लाइट पकड़ चुकी है और अब मैं थोड़ा सा स्लो हो रहा हूँ ठीक है स्लोली पढ़ाता हूँ तो अब कार्निवोरा में हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आती हैं सबसे पहले तो होती है मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको आपको पता लगेगा ये है फैली डैक, फैली डैक क्या होता है फैली वो लोग वो वो जीव जंतु होते हैं जो अपनी शक्ल से ही बंदे को डरा देते हैं जैसे कि बिल्ली ठीक है अगर अपना मुंह खोले तो मतलब जो शेर ठीक है तो ये सारे सारे होते हैं फैली सॉरी फैली नहीं है सॉरी फैली है फैली एफ ई एल आई डी ए ई ठीक है और ये है कैरीडे ठीक है सी ए आर आई डी ए तो ये सारे के सारे ये दो कैरेक्टर ये कार्नी वर्में ये दो आते हैं तो डॉग्स वो होते हैं कार्नी वे कारिडे मतलब क्या है कि कार ये बेसिकली जो लेटिन में यूज़ किया जाता है शब्द ये दांतों के लिए यूज़ किया जाता है जो अपने दांतों से डरा दें दूसरे जीवों को उनको हम बोलते हैं कैरीडे ठीक है, कैरी है इसमें डॉग्स आते हैं वुल्फ आते है, हैं हेंस आते हैं और फैली डे में आते हैं लॉन्स टाइगर्स कैट ये सारे के सारे इसमें आते हैं ठीक है और प्रीमिटा में हम आते हैं ठीक है इनकी ऑस्टोरस साइकिल होती है ठीक है ऑस्टोरस साइकिल क्या होती है बेसिकली कि इन ये हीट प्रोसेस के लिए ही एक दूसरे के पास आते हैं <coughs> जैसे कि अगर आप बात करो कि रिप्रोडक्शन इनको करना होता है तो ये हीट प्रोसेस जब इनको रिक्वायरमेंट होता है तभी करते हैं ये इनमें कुछ ज़्यादा वो नहीं होती मतलब कोई ज़्यादा ये ठरकी नहीं होती कि ये वैसे ही मिल जाए नहीं इनको हीट प्रोसेस की वजह से ये एक दूसरे से दूसरे के पास आते हैं ठीक है तो हम हैं प्रिमिटा ठीक है और फिर आता है हमारी फैमिली फिर ठीक है फैमिली में क्या आता है फैमिली में हमारी फैमिली जो है वो है हेमिन डे ठीक है हेम इंडे हमारी फैमिली है ठीक है और जीन्स क्या है हमारा पैंथर सॉरी जीन्स ये कैट का है पैंथर फैमिली है सॉरी फैमिली जो है कैट की वो है पैंथर और इसके अंदर और कौन से कौन से आते हैं लियो टाइगर ये सब हैं ठीक है ये फैमिली है पैंथर पैंथरा ये फैमिली है टाइगर की कैट की इन सब की और हमारा जो जीन्स है वो है होमो और जो स्पीशीज है सेपियंस तो जो हमारा नाम है साइंटिफिक वो हमें होमोसेपियंस किसने रखा था इस साइंटिस्ट ने रखा था लिमनोइस ठीक limano, है इसने रखा था हमारा नाम अब चलो बात करते हैं मोनेरा की मैं सबसे पहला किंगडम की बात कर रहा हूँ मोनेरा ठीक है ये सबसे पहले हमारी धरती पे जो आया था वो आया था बैक्टीरिया ब्ल्यू ग्रीन जो हमारी धरती पे सबसे पहले जो आया था वो आया था बैक्टीरिया ठीक है अब मैं उसी की किंगडम की बात करने वाला हूँ कि बेसिकली मोनेरा में क्या आते के के हैं मोनेरा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मोनेरा की एक तो ये होती है ये एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं इसलिए हम उनको बोलते हैं यूनीसेलर और ये दूसरी चीज प्रो होते हैं देखो बेसिकली सेल्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं एक तो होता है प्रो और एक होता है यू कैरेट वो जिसके जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है और यू वो जिसके अंदर न्यूक्लियस है अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडीज़ की हमारे अंदर भी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है अगर मैं आर की बात करूँ तो उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और जबकि मैं स्पर्म्स की बात करूँ या अपने दूसरे तरीके के सेल्स की बात करूँ लाइक वाइट ब्लड सेल्स उनके पास न्यूक्लियस होता है तो ये है बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक वो जिनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है बैक्टीरिया में भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं एक वो जो हमारे लिए ज़रूरतमंद होते हैं और एक वो जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं ठीक है सबसे पहले मैं सारी यूज़फुल्स बैक्टीरिया की बात करता हूँ ठीक है सबसे पहले होता है लैक्टोबैक्लिस ये बेसिकली मिल्क में से दही बना देता है ये बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी अगर गर्मी में अगर हम रख देते हैं मिल्क को तो वो अपने आप दही में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बैक्टीरिया बेसिकली नेचर में एग्जिस्ट करता है तो ये बेसिकली हमारी मैंने दही बनाई नहीं है सॉरी तो मैं इसके बारे में कम्प्लीट डिटेल दे नहीं सकता मैंने जो देखा मैंने तुम्हें, तुम्हें जस्ट वो कह दिया एक बार पता कर लेना अपने घर घरवाले से कि ये लैक्टोबैकेलस के लिए वो क्या करते हैं ठीक है तो लैक्टोबैकेस एक बैक्टीरिया होता है जिससे तुम दूध से दही बना सकते हो एक गन्ने के रस से भी तुम विनेगर भी बना सकते हो उसके लिए भी तुम्हें बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है ठीक है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है एसिटोबैक्टर ठीक है और फिर आता है हमारा तीसरा बैक्टीरिया राइपो राइज, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ राइजोबियम ये भी एक बैक्टीरिया है ये एंटू नाइट्रोजन फिक्सेशन के एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर बढ़ाता है बेसिकली ठीक है राइजोबियम ये भी एक बैक्टीरिया है ठीक है ये जो नोट्स हैं पूरे के पूरे मैं आपको इसके लिए लिंक भेज दूंगा आप लिंक में से इसको नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो लेकिन सबसे पहले इसको समझ लो ठीक है अब है अल्कोहल एल्कोहल कैसे बनाया जाता है वो फर्मेंटेशन से बनाया जाता है तो वह पता होगा प्रोसेस पे और एक दारू की कीमत किससे पता लगती है एक दारू की कीमत पता लगती है कि किस बैक्टीरिया से बनाई गई है वो और दूसरी चीज़ की उसमें डिस्टिलेशन टेक्निक कौन सी यूज़ हुई है जितनी मुश्किल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ की जाती है उतनी महंगी दारू होती है ठीक है और बेसिकली मेरा मेन मकता ये था कि अल्कोहल में जब फर्मेंटेशन हम करते हैं उसमें भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है डिफरेंट अल्कोहल्स में डिफ़रेंट तरह का बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया जो होता है हमारा दारू बनाने के अलावा एज अ डी भी यूज़ होता है ठीक है और तो और ये एंटीबायोटिक बनाने में भी यूज़ होता है ठीक है बैक्टीरिया ठीक है और दूसरा पन्ने में भी है मेरा बैक्टीरिया का यूज़फुल ये है अपनी बॉडी में अपनी बॉडी में आने को खाने को जो सड़ाता है जैसे तो तुमने कोई खाना खाया वो अपने आप डाइजेस्ट नहीं होता कई बार क्या होता है उस खाने को सड़ाना पड़ता है फिर वो जाकर डाइजेस्ट होता है तो उसको कौन सड़ाता है बैक्टीरिया है, है हमारी बॉडीज़ के अंदर यूज़फुल बैक्टीरियाज हैं वो ही हमारे लिए काम करते हैं इन सब चीज़ों का अब मैं चलो बात करता हूँ हार्मफुल बैक्टीरियाज़ की ठीक है इससे तुम्हें काफ़ी डिजीजेज़ की भी नॉलेज होएगी सबसे पहला बैक्टीरिया जो हमारे लिए हार्मफुल है दैट इज़ टी बी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबोक्रोसिस ये बेसिकली लंग्स में होता है इसका ट्रीटमेंट क्या है डॉट्स विच स्टैंड फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट इसका जो ट्रीटमेंट होता है बेसिकली छः महीने से लेकर डेढ़ साल तक चलता है अगर तुमने इसकी दवाई एक दिन भी मिस कर दी इस ट्रीटमेंट में जो दी जाती है डॉक्टर के डॉक्टर के अंडर ही होता है मतलब डॉक्टर तुम्हारे साथ ही रहता है डॉक्टर तुम्हें एक एक चीज़ बताता है ठीक है और तो मेरी इसकी दवाई जो चलती है छः महीने से लेकर डेढ़ महीने साल तक कभी भी पूरी चलती है अगर तुमने डॉक्टर की बात आ, के विरोध गए और तुमने एक दिन भी दवाई खाना छोड़ दिया तो पूरा ट्रीटमेंट दोबारा से चालू चालू करना पड़ेगा ठीक है तो इसमें बेसिकली पहले के टाइम पे कैसे बैक्टीरिया ट्रीट करते थे जब डॉट्स नहीं था टेक्निक नहीं थी तब कैसे करते थे तब पेंसिलिन एंड्रिंक ये पेंसिलिन का इस्तेमाल करते थे पेंसिलिन फर्स्ट हमारी एंटीबायोटिक थी जो वर्ल्ड वॉर टू के साम टाइम पे हमारे लिए बनाई गई बनाई बनी थी उसका रिसर्च हुआ था तो शुरू में स्किल इससे पेंसिलिन से करते थे लेकिन आजकल डॉट्स एक ट्रीटमेंट है जिसका कोर्स मैंने बता दिया इतना चलता है ठीक है अब दूसरी चीज़ आती है हमारी लिप्रॉक्सी माइकोबैक्टीरियम ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया है ये हमारे सारे के सारे जोड़ जो भी हैं बॉडी के वो खा जाता है इसका ट्रीटमेंट क्या एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक खाओ अब डॉक्टर से पूछो एंटीबायोटिक भी बहुत तरीके की होती है कौन सी एंटीबायोटिक खानी है तो उससे हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है इस बैक्टीरिया का ये याद रख लो कि क्या है नाम इसका है टीबी माइकोबैक्टीरियम इसमें भी माइकोबैक्टीरियम है लिपोरॉक्सी मतलब माइको वाले तो ये देख लो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये वाले बैक्टीरिया सारे के सारे देख रहे हो हम्म और आ, ये तो याद ही हो गया होगा लैक्टोबैक्टीरिया तो बहुत बार सुना होगा एसिडो बार भी तुम्हें पता ही होगा राइजोबियम भी याद हो ही गया होगा बेसिकली मुझे लगता है जैसे मैंने बोला है कि वैसे तुम्हें याद हो गया होगा एक और बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है उसका नाम है टेटनस क्लोस्टेरियम टेटानी ठीक है तो ये बेसिकली हमारी होल बॉडी में ही फैल जाता है बेसिकली ठीक है तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से बोलते हैं ना टेटनस का इंजेक्शन लगा लो एंटी टेटनस की वो लगा लो बेसिकली जब चोट वोट लगती है तो बेसिकली इससे क्या होता है अगर तुम टेटनस का इलाज नहीं करो तो तुम्हारे जौ जो, जो होते हैं वो ज़्यादा टाइट हो जाते हैं ठीक है होल बॉडी में फैल जाता है बेसिकली ठीक है जॉ में सबसे पहले फैलता है ठीक है अब क्या मैं बता रहा था हाँ टाइफाइड टाइफाइड में जो बैक्टीरिया जो टाइफाइड होता है इंसानों को या हमें किसी को भी वो भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है सेलोमोनेला टाइफिक ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है और इसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है टाइफाइड वैसे गंदा पानी पीने की वजह से होता है ना कि गंदा पानी पी ले तो टाइफाइड हो जाता है अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो हर चीज़ ऑब्वियसली बात है एंटीबायोटिक ही खानी पड़ेगी एंटीबायोटिक स्टैंड किससे करती है वो मेडिसिन जो बैक्टीरिया से लड़े ठीक है जो बैक्टीरिया की एंटी हो दैट इज़ एंटीबायोटिक इसके लिए बेसिकली अगर मान लो कि टाइफाइड है तुम्हें तो तुम्हें टेस्ट क्या है टेस्ट बहुत तरीके के होते हैं लेकिन जो आ, सबसे ब्रॉड टेस्ट जिससे सारी की सारी बीमारियाँ पता लग जाती है वो है एलिसा टेस्ट ठीक है बेसिकली ये पहले एड्स के लिए था टेस्ट एलईसा टेस्ट लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें बता देता है टेस्ट कि तुम्हारी बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन है और आ, हर चीज़ ये बेसिकली बता देता है डिजीज़ कौन सी है बॉडी के अंदर या लाइसा टेस्ट बहुत पॉपुलर टेस्ट है ये बता देता है लेकिन ये थोड़ा महंगा टेस्ट है इसका जो रेट है पाँच हजार से लेकर दस हजार के बीच में कुछ भी वेरी कर सकता है और प्राइवेट में तो कितना महंगा होगा मैं कुछ कह नहीं सकता ये तो गवर्नमेंट का रेट बताया मैंने और एक होता है पी टेस्ट पी टेस्ट मान लो कि तुम्हें टाइफाइड हो गया या तुम मान लो कि हाँ टाइफाइड हो गया तुम्हें या टी हो गया या कुछ भी हो गया तो एक पीसीआर टेस्ट एक बड़ा कॉमन टेस्ट है जिससे तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारे टीबी है या नहीं है बेसिकली क्या होता है ये जो बैक्टीरिया होता है चाहे वो टीबी का हो या चाहे किसी का भी हो वो यूरिन में आ जाता है बेसिकली समझ रहे हो मेरी बात यूरिन में उसका बैक्टीरिया वो उसमें भी होता है हमारे जो यूरिन करते हैं बाथरूम करते हैं उसमें भी आ जाता है बैक्टीरिया अगर हम यूरिन टेस्ट करवाएंगे उसमें भी हमें पता लग जाएगा कि हमें कौन सी बीमारी है पी टेस्ट कहते हैं दैट इज़ यूरिन का पी करवा लो तो पता लग जाएगा ये भी लेकिन बहुत महंगा टेस्ट है ये भी आसान ये भी सस्ता से टेस्ट नहीं है ठीक है अब <coughs> चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और भी हैं और भी हैं बैक्टीरियाज जो हमारे लिए हार्मफुल हैं काफ़ी हार्मफुल्स बैक्टीरिया मैं तुम्हें बता चुका हूँ अभी टी के लिए टाइफाइड के लिए और क्या क्या नहीं अब और भी है बैक्टीरियाज़ जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही आ, आ, नुकसानदायक हैं सब एक तो ये भी है कॉलेरा वाइब वाइब है ये एलिमेंट्री में हो जाता है बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया चले जाता है ठीक है इसका ट्रीटमेंट क्या है ओ आर एस पी लो ठीक है बेसिकली डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाता है डिहाइड्रेशन जो होती है ना कई बार तुम पानी सही नहीं पीते तो उसमें भी ये बैक्टीरिया हमारे को हमारा जो है एलिमेंट्री केनाल्स में दिक्कत कर देता है तो अब क्या है इसका एलिमेंट्री कैनाल पता है ना कहाँ होती है गले में होती है जब हम मुंह से खाते हैं गले पेट में जाती है तो कल एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू हमारा खाना जाता है तो उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से ठीक है तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से आ जाती है तो अब उसमें क्या करो तुम कि अब उसमें ओवर पी लो तो तुम्हारा ठीक हो जाता है अब देखो अगर तुम थक गए हो तो पाउस कर लो वीडियो को जाओ थोड़ा बाहर टहल वहल के आओ पंद्रह मिनट मैं बहुत बोल लिया अगर बोर हो रहे हो जाओ घूम के आओ मैं फिर अभी मैं तो बोलता ही रहूँगा अभी ठीक है पाउस करके घूम के आ सकते हो चलो एनीवे anyway, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है और एक और बैक्टीरिया होता है निमोनिया टैरोफाइटोकस ठीक है ये क्या करता है ये बेसिकली लंग्स में होता है इससे निमोनिया हो जाता है बेसिकली इस वाले बैक्टीरिया से निमोनिया हो जाता है ठंड में हो जाता है बेसिकली ठंड में ये बैक्टीरिया अटैक करता है अब इसमें क्या होता है बच्चों को तुमने देखा होगा कि बच्चे को अगर निमोनिया होता है बचपन में तो उसको एक कांच के उसमें डाल देते हैं उसका मुँह और पूरा का पूरा स्टीम से उसको ठीक कर देते हैं ठीक है ठीक है ये नोट्स मेरे बेसिकली ऐसे दिखेंगे तुम्हें पी लेकिन मैं तुम्हें जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं अपने सॉफ्टवेयर में जूम कर रहा हूँ डाउनलोड का मैं लिंक भेज दूँगा उसमें तुम कर सकते हो ठीक है अब मैं तुम्हें पहला बता चुका हूँ मोनेरा वो पूरा बैक्टीरिया के बारे में था समझ गए अब प्रोटिस्टा है ये थोड़े अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं ये अलग तरीके के थोड़े किंगडम है समझ रहे हो ये अलग किंगडम स्टार्ट हो गया मेरा अब इस किंगडम में कौन कौन आते हैं यूनिसेलर आते हैं ठीक है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है बेसिकली प्रोटिस्टा किंगडम में जो ऑर्गेनिज़म्स या जो क्रिएचर्स रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है सबसे पहले वो यूनिसेल्यूलर हैं यू कैरिवेटिक है मतलब उनके पास न्यूक्लियस है अपना ये देख रहे हो गोला गोला डार्क डार्क मतलब सबके पास अपना न्यूक्लियस है और एग्जाम्पल क्या है इसका प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ भी एक ऑर्गेनिज्म है जो इस किंगडम के अंदर आता है अमीबा भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है इसकी सीडा पोडिया कहते हैं इसकी जो फीट्स कहते हैं उसको कहते हैं सूडापोडिया मतलब जैसी खाना आता है अपनी ये तुम्हें लग रहा होगा कि ये फीट है लेकिन इसकी ऐसी फीट नहीं है जैसी खाना आएगा अपनी पूरी की पूरी शेप चेंज कर देगा तुम कहोगे यार झूठी टांगें दिखा रहा है तो इसको बोलते हैं फॉल्स फीट ठीक है सीडो पोडिया ठीक है <coughs> और एक है एक और ऑर्गेनिज्म है जो इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है वो है ए इंटामोमिवा ठीक है इससे क्या होता है ये बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है ये बेसिकली गंदे पानी में पाया जाता है जैसे स्विमिंग पूल्स की मैं बात करूँ जब तुम स्विमिंग पूल जाते हो क्या पता उस बंदे ने चेंज ना किया हो पानी और तुम तैर रहे हो और वो पानी तुम्हारे मुंह में चले जाए तो चांसेस रहते हैं कि ये प्रोटिस्टा किंगडम का जो क्रिएचर है एंटमी भाई ये तुम्हारे पेट के अंदर घुस जाए और तुम्हें बीमारी दे दे डाइस्टें डाइस्टें ये बेसिकली होती है ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देती है और इसकी वजह से स्टूल भी हो जाता है जिसमें पॉटी से खून आता है बेसिकली समझ रहे हो तो ये बेसिकली मैंने तुम्हें इसका बता दिया ठीक है अब मैं बात करने वाला हूँ इसकी लिश मैनिया ये भी क्या है ये भी इसी का ही क्रिएचर है प्रोटिस्टा का इससे क्या होता है काला अज़र हो जाता है सेंड फ्लाई के काटने से आ जाता है ये वाला ऑर्गेनिज्म जब सेंड फ्लाई एक होती है ये भी एक मधुमक्खी की तरह ही होती है ये अगर काटती है तो तुम्हारे अंदर ये ऑर्गेनिज्म घुस जाता है इसी कहते हैं लेश मैनिया ये तुम्हारे अंदर काला जर कर देता है ठीक है अब दूसरा प्रोटिस्टा किंगडम का क्रिएचर या ऑर्गेनिज्म ट्राई पैनोसोमा ठीक है ये भी फ्लाई के काटने की वजह से होता है अगर तुम्हें इस फ्लाई ने काट लिया तो तुम्हें स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगी ये अब रेयर है अब नहीं होता ये बिल्कुल भी देख रहे हो अब रेयर है अब नहीं होता ये ठीक है प्लाज्मोडियम ये भी एक प्रोटिस्टा खानदान का वारिस है किंगडम का क्रिएचर है इसकी वजह से मलेरिया हो जाता है बेसिकली मलेरिया तुम पता का ही होगा फीमेल काटती है फ़ीमेल मच्छर जब काटती है तो मलेरिया हो जाता है वो मलेरिया जो होती है फीमेल मच्छर हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम डाल देती है जो कि ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा किंगडम का उससे क्या होता है उससे ये होता है कि तुम्हें मलेरिया हो जाता है सीधी सी बात है और तुम बहुत बीमार पड़ जाते हो ठीक है अब इसका ट्रीटमेंट क्या है इसका ट्रीटमेंट है क्यून ले लो ठीक है ये साउथ अफ्रीका में मिलता है बेसिकली ये पौधे पौधे जैसा होता है कुछ सिंस कोरा अब तो बेसिकली इंडिया में भी आप ये नहीं है कि ऑफ़ साउथ अफ्रीका में मिलता है तब तुम साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा इसको लेने के लिए क्या होता है कि ये कंट्री आपस में दोस्त होती हैं ठीक है तो वो वहाँ का पौधा ले मंगवा लेगी अफ्रीका से और यहाँ पर उगा देगी अब जो तुम स्वीट कौनस खाते हो ये अमेरिकन कॉर्न खाते हो अब ये थोड़ा ना कि वो अमेरिका से हो रहे आ रहे हैं हमारे पास नहीं हमने उसका जो उसकी वो सीड्स थे या जो भी उनका पौधा था वो हमने मंगवा लिया इधर उसको उगा के हम यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन करते हैं और यहाँ पे बेचते हैं और वही खाते हैं हम ठीक है तो बेसिकली इसका भी यही सेम हाल है ये है क्यूनिन सिनोसोरा कोरा ठीक है कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कि जो अमेरिका से ही आती हैं ठीक है आगे मैं एक बताऊँगा एक सॉल्ट है जो सॉल्ट uh, सॉरी एक वो एक पौधा है ठीक है तो वो मैं बताऊँगा वो हमारे पास अमेरिका से आता है और वो आगे जाके के बताऊँगा ठीक है कुछ कुछ चीज़ें होती है लेकिन ये इंडिया में अवेलेबल है इसके पौधे ठीक है और एक होता है युग लेनिया ये भी एक वारिस है किसका प्रोटिस्टा ख़ानदान का ये क्या है इसमें तुम्हें एनिमल के फ़ीचर्स भी मिलेंगे और प्लांट वाले फ़ीचर भी मिलेंगे मतलब ये फ़ोटो भी करता है और बंदे को मुंह से खा भी जाता है तुमने देखा होगा कि वो जो अपने मुंह से खुशबू फेंकता है प्लांट सुना होगा खुशबू फेंकता है उसके पास मच्छर जाता है वो जैसे ही मच्छर उसके पास जाता है उसको खा जाता है मुंह बंद कर लेता है अपना उस प्लांट का नाम क्या है युग लिया युग लय ई यू जी एल एन ए ठीक है तो ये क्या करता है ये बेसिकली प्रोटिस्टा खानदान का वो वारिस है और ये क्या करता है ये तुम्हें इसमें दोनों फीचर्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा और ये जानवर की तरह भी एक्ट करता है और पेड़ पौधे की तरह भी एक्ट करता है ठीक है और एक आता है पैरामीशियम यह भी किसका है ये भी प्रोटिस्टा किंगडम का ऑर्गेनिज़म है ये क्या करता है ठीक है इसको खाली माइक्रोस्कोप से देख सकते हो तुम तो, ठीक है वरना नहीं देख सकते हो इसको अब तीसरे किंगडम की बात कर रहे हो फंजाए ठीक है फंगाए या फंजाए फंजाया फंजाय बोलते हैं ठीक है फंजाए बोला करो और मल्टी सेलुलर ये बेसिकली मल्टी सेलोअर है ये इसमें बहुत सारे सेलों से बन के इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं ठीक है अब ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं मैंने बताया था मोनेरा यूनिसेलर था फिर बताया था मैंने तुम्हें प्रोटिस्टा वो भी यूनिसेलर था फिर अब मैं सेल्स में थोड़ा बढ़ गया हूँ फंजाए लग जाती है ब्रेड वगैरह पे बॉडी के अंदर भी फंजाए लगती है पता है तुम्हें चलो तो बाद में बात करता हूँ वो मल्टी होता है ठीक है यू कैरेट मतलब न्यूक्लियस के पास है या नहीं है न्यूक्लियस है इसके पास प्रोटो प्रो प्रोकेटिक सेल के पास न्यूक्लियस pro, नहीं होता यू कैरियोटिक के पास सेल न्यूक्लियस होता है सेप्रोफाइट कौन से होते हैं जो औरों पे फूड के लिए डिपेंड होते हैं डीकम्पोजर क्या होते हैं जो ईजीली डिकम्पोज कर देते हैं फ्रूट्स को uh, मतलब जो चीज़ों को और सिंप्लीफाई वे में ब्रेक कर देते हैं ठीक है अब मैं बात करता हूँ पेंसिलीन की पेंसिलिन ऐसी फर्स्ट मैंने बताया था पहले फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर बनाई गई थी ठीक है इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे कि इसे लूज मोशन हो जाते थे क्यों लोग ज़्यादा खा लेते थे अब तभी तो कहते हैं कि अगर कोई भी दवाई खाते हो उतनी खाओ जितनी डॉक्टर ने बोला है हर दवाई एक पर्टिकुलर अमाउंट में असर करती है ये नहीं है कि अगर तुम्हें ज़्यादा बुखार है तो तुम दो क्रोसिन खा के बैठ गए हो जितनी रिक्वायर्ड है जितनी उस पत्ते के पीछे लिखी है खा सकते हो उतनी खाना या जितनी डॉक्टर ने बोला उतनी खाना ठीक है अपनी वजह से मत, मत उससे खाओगे ज़्यादा तो काम ख़राब हो जाता है ठीक है इसलिए अब दूसरी चीज़ पेंसिलिन जो है बेसिकली क्या है फंजाए अब ये सोचो कि ये एंटीबायोटिक है फंजाए बैक्टीरिया को मार रही है मैंने बताया था टीबी में वाला जो होता था टीबी वाला जो था तुम्हारा टीबी माइकोबैक्टीरियम इसको मारने के लिए पेंसिलिन यूज़ हुई थी अब ये पेंसिलिन है क्या ये फंजाई कई तो है फंजाई किंगडम कई तो वायरस है ठीक है फंजाई किंगडम कही तो ऑर्गेनिज्म है देख रहे हो तुम और पेंसिलिन के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया वर्ल्ड वॉर टू के दौरान और यीस्ट है यीस्ट क्या भटूरे बनाते हो तो भटूरे खाते हो छोले भटूरे उसमें यीस्ट यूज़ होती है पेकिंग के लिए यूज़ करते केक में भी यूज़ कर सकते हो इसमें जो तुम्हारा फंजा है उसका नाम क्या है ये है सेचोरा माइसिस ठीक है ये उसका नाम है ठीक है सचैरो माइसिस ठीक है तो ये बेसिकली एक्सपेंसिव है लेकिन बेस्ट है बेस्ट क्यों है क्योंकि इसमें विटामिन बी और प्रोटीन दोनों मिलेगा लेकिन घर में ये नहीं यूज़ करते कई बार यीस्ट तो बंदा खरीद नहीं पाता खरीद पा भी लेते मैं मतलब देख लो यार मेरे को नहीं पता तो कई बार ये एक्सपेंसिव होती है थोड़ी ठीक है रिलेटिवली एक्सपेंसिव होती है तो बंदा क्या करता है सोडा यूज़ कर, यूज कर, यूज कर, यूज कर लेता है दही यूज़ कर लेता है ईगो इनो यूज़ कर लेता है ये इनमें से कुछ भी यूज़ कर लेता है ठीक है बेकिंग के लिए बेसिकली ठीक है बेकिंग सोडा होता है ना वो केक बनाने के लिए डब्बी आती है तो वही ये सब यूज़ कर लेते हैं यज की जगह लेकिन ये बेस्ट है यूज़ क्योंकि इसमें विटामिन बी और प्रोटीन दोनों है ठीक है अब एक है एडिबल फंजाई मशरूम जो तुम खाते हो डोमिनोज के पिज्ज़ा पे मशरूम या घर पे मशरूम की सब्जी कुछ भी ठीक है तो ये भी फंजाई तुम खाते हो ब्रेड मोल्ड राई जो पस अब तुमने देखा होगा ब्रेड को तुम एक प्लास्टिक के बैग में बंद करके रख दो कुछ दिनों बाद उसमें फंजाई लग जाएगी उसको क्या कहते हैं ब्रेड मोल्ड कहते हैं उसमें फनजाए का नाम क्या है फंजाए तो एक किंगडम है उस फनजाई का पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म uh, का नाम क्या है उसमें राइजोपस ठीक है राइज़ोपस लग गई उसमें ये बोल सकते हो रिंग वॉर्म बेसिकली मिट्टी खाते हो तुम कई बार क्रिकेट खेलते हो बॉल से एक बार कभी खेल रहे हो क्रिकेट और वो मिट्टी वाले हाथों से ही खा लेते हो तो क्या होता है उसमें रिंग वॉर्म के अंडे होते हैं वो जब तुम खाते हो उसी हाथ से बिना हाथ धोए तो वो मिट्टी के अंडे तुम्हारे पेट में चले जाते हैं इंटेस्टाइन में ठीक है और उसकी वजह से रिंग उसमें पैदा हो जाते हैं और वो तुम्हें दिक्कत करते हैं जैसे कि मुँह में जब तुम रात को सोते हो तो तुम्हारे मुँह से गिग्गे निकलती हैं या मतलब मान लो कि थूके निकलने लग जाती हैं ठीक है रात को अक्सर जब सोते हो या तुम जब जितना मर्जी खा लो तब भी पतले के पतले ही हो तुम या मान लो कि ठीक आ... है तुम्हारे स्टमकस में लगातार पेन रहता है तो तू ये समझ लेना तुम्हारे में कोई रिंग वॉम है तो उसके लिए मेडिसिन कौन सी खाते हैं वो मैं आगे जाके बता दूंगा लेकिन वो किस वजह से होता है इस इस फंजा इस फंजा, इस फंजाए का नाम क्या है ट्राइकोडरमा ट्राएको है उसका नाम फंजाए का फंजाए किंगडम का ऑर्गेनिज्म है ट्रा ट्राए उसकी वजह से बेसिकली रिंग वॉम्स हो जाते हैं ठीक है तो ये बेसिकली मैंने तुम्हें बता दिया पहले तीन किंगडम प्लांटे किंगडम और एनिमल किंगडम मैं अगली लेक्चर में बताऊंगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं ऐसी आसान भाषा में बहुत सारी वीडियोस बनाता हूं और अगर आपको लगता है कि आपको नॉलेज की भूख है आपको मेरी वीडियो सुन के कुछ नॉलेज मिल रही है ठीक है कुछ मेरी भाषा आपके दिमाग में चढ़ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूँ ठीक है सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय ट्यूटोरियल और अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और बेस्ट ऑफ लक इफ़ यू हैव एनी एग्जाम और फॉर योर फ्यूचर लाइफ